साथियों, आप सभी लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा होगा, हमारा द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया था जब हमारे हॉस्टल के साथियों के द्वारा हमें सूचना दी गई कि हॉस्टल में सुबह से लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो तत्काल इस बात का संज्ञान करते हुए हम हॉस्टल में पहुंचे। DHW महोदय से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमने वो हॉस्टल के वार्डन सर को बुलाया, आधे घंटे में हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो चुकी है। सबसे ज्यादा दिक्कत साथियों इस बात से थी कि कल परीक्षाएं होनी है, विश्वविद्यालय की लगातार परीक्षाएं चल रही हैं और लाइट की व्यवस्था न होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। लेकिन अब बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोचना चाहिए कि छोटी छोटी बातों के कारण बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, उधर भी दिखाओ पाठक सर, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आपके कारण हो पाए हम लोग, क्योंकि एक तो परेशानी चल रही थी, पर विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं। देखो ऐसा है ना, विद्यार्थियों की परेशानी मतलब टीचर की परेशानी होती है। जी सर, लेकिन थैंक यू सो मच दावे सर, आपका भी सर, हमने तो DHW महोदय को भी कॉल करा तो कॉल ही नहीं उठाया आपने, कम से कम आए तो सही। एक कारण ये भी है ना, जी बहुत पुराना है, हो सकता है मतलब ना ना सर, हम बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, इसको हम पूरी एक रिपोर्ट देने वाले हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को, कुलपति जी ने खुद मंगाई है, हम खुद उन्हें देने वाले हैं, उस बात को हम सीएम साहब तक भी पहुंचा देंगे। लाइट की तो ऐसा लोड भी हो सकता है, लाइन भी पुरानी है। ना ना सर, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और भाई लोग